गुड मॉर्निंग। एकदम कलम कॉपी पेपर एक बैठ जाइए और सुनते रहिए और नोटिंग करते रहिए। यदि कोई समस्या होता तो मैसेज के थ्रू आप भेज सकते हैं, उस पर रिप्लाई ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ाते हैं आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो है जो सभी मटेरियल में प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी पहचान क्या है, कैसे समझे कि प्रबल है या नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल लिया गया है जो फिगर से थोड़ा समझाया गया है। इस फिगर को देखें और उसको समझें कि कैसे होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हिंदी में बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ है क्या है, पहले तो ये समझ लें कि इसका टॉपिक क्या कह रहा है। यह कहता है जो भी इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इसको बिल्कुल रेडी लिख लें कि व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रीफर टू पास थ्रू देम। क्लियर, प्रीफर टू पास थ्रू देम। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रीफर टू पास थ्रू देम। अब देखते हैं कि जब इस मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, उस क्षेत्र के जितने भी लाइंस हैं वो लाइंस इसी मटेरियल से होकर पास करता है। एक भी नहीं है जो इसको पास नहीं करेगा। इस क्षेत्र के अंदर जितना भी है सब इसे पास कर रहा है, जैसे फिगर में दिखाया गया है, वो तो टेढ़ा होकर के वक्र पे होकर के कर्व होकर के और उसी से होकर पास कर रहा है। ये इसकी विशेषता हुई है वहाँ पर, किसी भी लाइन को इसके इर्द गिर्द से मैंने बगल से होकर नहीं क्रॉस होने देता है, और जितने भी लाइंस हैं वो इसी के इन लाइन होकर पास करता है। आउटसाइड को कोई पास नहीं कर सकता है, आउटर में कोई पास नहीं करेगा, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, और फिगर में दिया गया है, फिगर को ठीक से समझें और इसको देखें। फिर अगले वीडियो के लिए